स्त्री और पुरुष के रिप्रोडक्टिव सिस्टम नवजीवन निर्माण के लिए डिजाइन किए गए हैं। मेल जेनेटिक सिस्टम यानी पुरुष प्रजनन अंग में दो अंडकोश होते हैं जो नलिकाओं से जुड़े होते हैं। खा लो। आया भाभी। ओके। ये डक स्कलन नलिका से मिलकर स्पर्म को सीमेन के साथ लिंग के माध्यम से स्त्री के जननांग तक पहुंचाते हैं। वही स्त्री के जेनिटल सिस्टम की शुरुआत ओवरी यानी अंडाशय से होती है। ओवरी के अंदर हजारों फॉलिकल्स होते हैं। हर एक फॉलिकल खाली गेंद की तरह होता है जिसके अंदर एक अविकसित अंडाणु होता है। 28 दिनों के मासिक चक्र की शुरुआत मासिक धन यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से होती है। मासिक के प्रथम 7 दिनों में ही ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बढ़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया के क्रम में फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन का रिसाव शुरू कर देते हैं जो खून में मिलकर गर्भाशय की दीवारों को मजबूती प्रदान करते हैं। 7वें दिन सारे फॉलिकल्स बढ़ते हुए नष्ट होने लगते हैं, सिर्फ 1-2 को छोड़कर। ये बचा हुआ शक्तिशाली फॉलिकल बढ़ने लगता है और अपने अंदर एक अंडे को पुष्ट करता है। लगभग 12वें दिन ये फॉलिकल भारी मात्रा में एस्ट्रोजन का रिसाव खून में करता है। ये हार्मोन जब खून के माध्यम से हाइपोथैलेमस और मस्तिष्क में अवस्थित प्यूटिटरी ग्लैंड तक जाता है तो ये प्यूटिटरी ग्लैंड भारी मात्रा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रिसाव खून में करता है। 14वें दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण फॉलिकल में एक अप्रत्याशित विकास होता है। अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन के ठीक पहले फॉलिकल के अंदर स्थित एग फॉलिसिल से डिटैच्ड हो जाता है। इस विकसित फॉलिकल से निकले रसायन के कारण 1 या 2 डिम्बवाही नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स उसके करीब आकर फॉलिकल को घेर लेते हैं। फिर होता है एक विस्फोट और एग कुछ तरल पदार्थों के साथ बाहर निकलते हैं और उनको थामने के लिए डिम्बवाही नलिका के अग्रभाग आगे आ जाते हैं, जैसे कोई बाहें फैला रहा हो और उस एग को थाम कर डिम्बवाही नलिका के मुख तक पहुंचाते हैं। फैलोपियन ट्यूब के अंदर इस एग को बड़ी हिफाजत से गर्भाशय यानी कि यूट्रस तक पहुंचाया जाता है। इस अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन के बाद एक अंडे का जीवन 12 से 24 घंटे का होता है। इस काल में ही उस अंडाणु का पुरुष शुक्राणु से मिलन आवश्यक है, तभी एक स्त्री गर्भवती होती है। और अगर इस काल में ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये एग नष्ट होकर मासिक के वक्त खून के साथ निकल जाता है। हर स्त्री के अंदर उसके ओवरी में हर महीने एक एग विकसित होता है। एक पुरुष के टेस्टिस से निकले लाखों स्पर्म लिंग के माध्यम से स्त्री के योनि में प्रवेश करते हैं और एक दौर शुरू होता है। लाखों स्पर्म्स एक अंडाणु में समाने की कोशिश करते हैं मगर कामयाब सिर्फ एक ही होता है। उस विजेता के प्रवेश के साथ ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। स्त्री और पुरुष के जेनेटिक मटेरियल्स मिलते हैं और नवजीवन अंकुरित होता है और शुरू होता है 40 हफ्ते का ये सफर। हर दिन फीटस का विकास शुरू होता है। 21वें हफ्ते तक फीटस के अंगों का विकास हो जाता है। माँ उसके हर मूवमेंट्स को अनुभव करने लगती है। फीटस का पोषण माँ से जुड़े एक नलिका से होती है। धीरे धीरे फीटस में श्वास प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जिससे फीटस का दिल अपना काम करना शुरू करता है। फिर 27वें हफ्ते के बाद फीटस का आंख विकसित होता है।
दिन भी आ जाता है जब एक नया जीवन दुनिया में प्रवेश करता है।